कुछ काम इतना ज्यादा होता है कि बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल जाता है। हमारी हमेशा वेडिंग एनिवर्सरी पे आपको एक्सक्यूजेस मिल जाती हैं भूल जाने की। अच्छा बताओ, वेडिंग एनिवर्सरी की क्या अहमियत है? जिसकी जिंदगी में एक शादी हो उसकी नजदीक होती है, शायद आपके नजदीक ना हो। रिग्रेट कर रही हो मेरे साथ शादी करने के बाद? शायद ना होता अगर मैंने आपको कभी शादीशुदा महसूस किया होता। मैं औरतों की तरह रोमांटिक बातें नहीं कर सकता। हालांकि आपने लव मैरिज की थी, रोमांस नहीं किया था। रोमांस नहीं थी वो। मेरे हिस्से में तो ये भी स्टूपिडिटी नहीं आई। शुक्र करो तुम्हारे हिस्से में बहुत स्टूपिडिटी नहीं आई, इसलिए 23 साल से मेरे साथ हो तुम। अगर उसकी तरह आ जाती तो सिर्फ 3 साल ही रहती। मुझे तो आपने 23 सालों में वो कुछ नहीं दिया जो आपने उसको 3 सालों में दे दिया। ये किस लिए है? ये किस लिए होता है? खाने के लिए है, ऑब्वियसली खाने के लिए है। तुम ये सोच रही होगी कि ना तुम्हारी बर्थडे है ना मेरी बर्थडे है, तो फिर ये केक यहाँ क्यों है ना? जी बिल्कुल। तो बीबी बात ऐसे कुछ यूँ है कि आप भूल गई हैं आज हमारी बर्थडे की बर्थडे। Oh my God, I totally forgot. So sorry. अच्छी बात है कि तुम भूल गई, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ध्यान ज्यादातर ध्यान में होता है या इसके अंदर होता है, और ये अच्छी बीवियों की निशानी है और ये हकीकत भी है। ये पकड़ो, बुझाओ मत, देना फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर टकराती फिर बीजे होगा सर जब पड़ी यहाँ से। मुझे एक गाड़ी बड़ी पसंद आई, तो मैंने कहा कि एक गाड़ी तो मैं ले लेता हूँ दफ्तर, तो एक गाड़ी तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो मैंने जल्दी से उसका प्लान किया तुम्हारे लिए गाड़ी पैक करवा दी। उसमें क्या हो सकता है? मैं गुजर रहा था एक दुकान के आगे से, मुझे एक चीज पसंद आई, मैंने उसकी कीमत पूछी, तो उन्होंने कहा कि बहुत कीमती है, तो मैंने कहा कि मुझे भी एक कीमती शख्सियत के लिए एक कीमती चीज चाहिए, और ये कीमती चीज तुम्हारे ही हाथ। सर, आई एम गेटिंग लेट, आई होप कुछ ज्यादा देर नहीं लगी। मरियम, मैंने आपके डिजाइन्स देखे हैं और खासा मुतासर हुआ। मैं आपको अपने नए प्रोजेक्ट के लिए हायर करना चाहता हूँ, मगर मैं आपके लिए काम नहीं करना चाहती। मरियम,
जैन पिछले दिनों बहुत मसरूफ रहा और इस सिलसिले में इसने मुझसे माजरत भी की। तो अब मैं मसरूफ हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इनके लिए काम नहीं कर सकती। देखिए मरियम, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन एक्सक्यूज मी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, आप मेरे कोई क्लास फेलो तो है नहीं। आपको गलत फहमी हो रही है कि मैं आपको जानती हूँ। थैंक यू सर। मरियम, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो कि आपके और मेरे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। हमारे दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए मैं जानता हूँ आप एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, मैं कदर करता हूँ आपके आर्ट, और मैं चाहता हूँ आप जैसी आर्टिस्ट को एक अच्छा मौका मिले। मैं अच्छी आर्टिस्ट हूँ या नहीं, इसके लिए मुझे आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने मुझे दो दिन ख्वार क्यों किया? आपको खवातीन से बात करने की तमीज नहीं है? काम हासिल करने के लिए आप मेरे पास आए थे, मैं आपके पास नहीं गई थी। देखिए जब मेरी आपसे पहली बार बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि आपको मेरे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने पहला सवाल मुझसे ये किया कि आप पैसे कितने थे, मुझे लगा कि मुझे आपसे काम नहीं कराना चाहिए। तो फिर आप में इतने गट्स होने चाहिए थे कि आप मुझे मना करते। आपसे पहले भी सॉरी कह चुका। आप लोग क्या चाहते हैं, आर्टिस्ट आप लोगों के लिए फीस अभी लीला काम करे? मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट की कीमत मांगते हैं तो आप लोग उसे लालची इंसान समझने लगते हैं। देखिए मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सही क्या है गलत क्या है ये मुझे नहीं पता, बात ये है कि आपने मुझसे बहुत बदतमीजी की, अब आप मेरे डिजाइन इस्तेमाल करें बगैर किसी कीमत के। बड़ी देखिए जिंदगी।